जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कई ऐसे उपाय हैं, तंत्र मंत्र टोने टोटके हैं कि यदि आप उन्हें आजमाते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद पूरी ज़िंदगी आपको पैसों के लिए नहीं तरसना पड़ेगा, धन दौलत आपके पीछे पीछे घूमेगी, इतने शक्तिशाली ये उपाय हैं। तो इन्हीं में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस उपाय को यदि आप करते हैं संपूर्ण श्रद्धा मन लगा करके, तो फिर आपको जीवन में पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। जिस चीज़ के लिए आपके अंदर तड़प है, बेचैनी है, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वह चीज़ आपको बड़ी ही आसानी से मिलने लग जाएगी। लेकिन एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो भी आप तंत्र मंत्र उपाय करते हैं वो आपका एक पैर है, दूसरा पैर आपका कर्म है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले आपको एक कदम उठाना होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, आपको अपनी मंजिल तक ले जाती हैं। और दोस्तों, कोई भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर चाहिए पॉजिटिविटी, जो ये तंत्र है वो आपके अंदर भर देगा। आपके माहौल में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होगी। जो भी व्यक्ति को आप देखते हैं कि वो सक्सेसफुल है, सफल है अपने लाइफ में, आप उसे देखेंगे, जब आप उससे मिलेंगे तो आप जानेंगे कि वो एकदम स्फूर्तिमय होता है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। और ये जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आपके अंदर स्फूर्ति भर देगा, ताजगी भर देगा, जोश भर देगा, उत्साह भर देगा। और ये चीज़ जो है, ये उपाय जो है, ये आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर देगा कि आप जहाँ जाएंगे पूरे माहौल को पॉजिटिव बना देंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे और तेज़ी से पहुंचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूं वह उपाय के जो उपाय आपके अंदर की एनर्जी को बढ़ा देगा, नकारात्मक शक्तियों को आपसे दूर रखेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप करेगा, साथ ही साथ आपके अंदर उमंग भर देगा, जोश भर देगा, आप जो चीज़ पाना चाहते हैं उसके बारे में आपके अंदर नॉलेज भर देगा, ज्ञान भर देगा। क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज़ को चाहता है, किसी चीज़ को पाना चाहता है, तो सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि व्यक्ति उस चीज़ को पूरी तरह से समझ ले, चाहे वो मकान है, पैसा है, कोई भी चीज़ है, कि वो कैसे आप अर्जित कर सकते हैं। तो ये जो उपाय होते हैं ये क्या करते हैं कि ये आपके अंदर उसकी समझ पैदा कर देते हैं, पॉजिटिविटी पैदा कर देते हैं। जिसको आप दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो बोलते हैं कि कुछ चमत्कार हो गया, एक्चुअली ये सारी चीज़ों में इतनी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं कि जो आपके अंदर के व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देती हैं, आपके अंदर एक नया हौसला, एक नया सपना जगाती हैं, जिसको पाने के लिए जब आप प्रयत्न करते हैं तो ये शक्तियाँ आपको पीछे से पुश करती हैं, आपको ताकत देती हैं, आपको हिम्मत देती हैं और आपको वहाँ तक पहुँचाती हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आज का जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो उसमें क्या करना है वो बता देता हूँ कि गुरुवार के दिन, गुरुवार में हमेशा बताता हूँ कि गुरुवार का जो दिन है वो विद्वता प्रदान करता है और नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। तो गुरुवार के दिन आपको पीतल के बर्तन में पानी भर करके पूर्व दिशा की ओर रख देना है। आपका जो भी कमरा हो, जो स्वच्छ कमरा हो, ऐसा कमरा के जहाँ पर मांस मदिरा इत्यादि ना जाते हों, ऐसे कमरे पे आप पूर्व दिशा की तरफ पीतल के एक बर्तन में आप पानी भर करके रख दें, पूरा गुरुवार के दिन उसको रखा रहने दें। अब आपको क्या करना है कि नित्य जब भी सवेरे आप घर में से जो कोई भी व्यक्ति काम काज के लिए निकलता है, पढ़ने के लिए बैठता है या घर काम करने के लिए जाता है, या यूँ समझ लीजिए कि स्नान करने के पश्चात उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर अपने पर छिड़क ले, हर व्यक्ति ये कार्य करे, इससे हर व्यक्ति का गुरु मजबूत होगा, हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। यदि आपने सवेरे इस पानी का छिड़काव कर लिया है, इसके बाद जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तब भी आप इस पानी का छिड़काव कर लें।
अगले गुरुवार को फिर से पानी बदल दीजिए। यदि पानी बच जाता है तो किसी मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे उस पानी को डाल दीजिए। अगले गुरुवार को फिर ऐसे ही एक बर्तन रख दीजिए पीतल का, उसमें पानी भर करके और पूरे वीक इस पानी का इस्तेमाल करें। हमेशा इस क्रिया को करें, आप देखेंगे कि इस क्रिया के चलते आपके अंदर बहुत परिवर्तन आएगा और आप जो जो चीज़ चाहते थे वो सारी चीज़ों को आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य ही जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।